Hello and welcome to Mech Zone. In the previous lecture, we have started off with the analysis of isobaric process, isothermal process, और हमने अपने जो PV is equals to MRT और PV is equals to NRT जो equations होती हैं उनका analysis किया और हमने ये देखा कि जो R और R bar होता है उस actually में उसमें difference क्या है, R और R bar में relation क्या है और दोनों की particularly units क्या है. Now in this lecture we shall be starting with the PV diagrams and various processes. PV diagrams and various process. तो in general अगर हम expression लिखें PV की power k is equals to constant, ये होता है हमारा general expression. However जो k की value होती है वो zero से लेके हमारा इन्फिनिटी तक हो सकती है. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ के यहां पर प्लॉट करेंगे और इसके देखेंगे करस्पॉन्डिंग टाइप ऑफ प्रोसेस. अगर के की वैल्यू जीरो हो गई तो पीवी टू द पावर ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. सो दिस बिकम्स आइसोबैरिक प्रोसेस. अगर के की पावर वन हो गई तो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो गया टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो ये हो गई हमारी आइसोथर्मल. अगर इसकी वैल्यू हो गई एन तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, मतलब पीवी की पावर एन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. अगर ये हो गई इक्वल टू गामा तो ये हो जाएगी हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस. और अगर ये हो गया इन्फिनिटी तो हमें याद रखना है अगर जो जिसकी पावर इन्फिनिटी है वही चीज कांस्टेंट हो जाती है, मतलब पीवी की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट में वॉल्यूम वुड बी कांस्टेंट. तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई तो हमारी प्रोसेस हो गई आइसोकोरिक प्रोसेस. तो इन जनरल अगर बात करें तो के की वैल्यू लाइज बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी. जीरो टू इन्फिनिटी नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा क्योंकि एन की वैल्यू आपकी माइनस वन माइनस टू कुछ भी हो, सॉरी के की जो वैल्यू है वो माइनस वन माइनस टू कुछ भी हो सकती है. तो द वैल्यू ऑफ के जनरली लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. अब मान लीजिए अब हम इसका ग्राफ बनाएं, पीवी ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो ये ग्राफ तो हो जाएगा के इज इक्वल्स टू जीरो का, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट. जो लाइन जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर वही एक्सिस कांस्टेंट हो जाती है, मतलब ये जो लाइन है इट इज कांस्टेंट टू द प्रेशर एक्सिस, तो प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट. ये क्या हो जाएगा, के बिकम्स इन्फिनिटी, मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. ये एक्सिस इट इज परपेंडिकुलर टू द वॉल्यूम एक्सिस, इसीलिए वॉल्यूम हो गया कॉन्स्टेंट. एक हो जाएगा के इज इक्वल्स टू वन, ये हो जाएगा आपका k इज इक्वल्स टू एन, ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू गामा. ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं जैसे जैसे k की वैल्यू इंक्रीज कर रही है आपका जो कर्व है इट इज बिकमिंग कर्व बिकम्स स्टीपर, द कर्व इज बिकमिंग स्टीपर विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ k. ठीक है, और जैसे ही k की वैल्यू बहुत लार्ज इनफाइनाइट हो गई तो कर्व आपका क्या आ जाएगा, वर्टिकल आ जाएगा. ठीक है, ये हो गया कर्व आपका वर्टिकल. मान लीजिए एरो इस टाइप से है तो ये जब एरो इधर है मतलब वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, तो सिंस द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग देयरफॉर दीज ऑल कर्व्स आर रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन. ठीक है, अगर हम बात करें हमारी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व्स के बारे में, इफ वी टॉक अबाउट आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व्स, अगर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व्स की बात करें तो आइसोथर्मल में पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से dp upon dv it will be equal to minus p upon v. और dp upon dv क्या है, it is the slope of the isothermal curve, it is the slope of the isothermal curve. अगर adiabatic की बात करें pv की power gamma is equals to constant, तो यहां से जो slope हमारा आ जाएगा it would be minus gamma times p upon v.
तो अगर आप इन दोनों स्लोप्स को देखें तो आपको ये ऑब्जर्व होगा कि द स्लोप ऑफ द एडियाबैटिक कर्व इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व. मतलब अगर दो कर्व आपको दिए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है विच कर्व इज आइसोथर्मल एंड विच कर्व इज एडियाबैटिक, तो हमेशा जिसका स्लोप ज्यादा होगा दैट कर्व विल बी एडियाबैटिक और जिसका स्लोप कम होगा दैट विल बी आइसोथर्मल. फॉर एग्जाम्पल टू कर्व्स हैव बीन गिवन 1 एंड 2 ऑन द प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट. तो आप देखिए दोनों का स्लोप देख लीजिए, एक ये वाला स्लोप है एक ये वाला स्लोप है. सिंस द स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1 देयरफॉर दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन एडियाबैटिक कर्व एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन आइसोथर्मल कर्व. ठीक है, तो आइसोथर्मल का स्लोप जो होता है वो एडियाबैटिक से कम होगा और एडियाबैटिक का जो स्लोप होगा इट इज एक्चुअली गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व. ठीक है, इट इज एक्चुअली गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक बेसिक आइडिया अबाउट द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व्स. अगर हम मान लीजिए कंप्रेशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट कंप्रेशन, यहां तो हमारा यहां एक्सपेंशन था. अगर हम करस्पॉन्डिंग कंप्रेशन की बात करें तो अगर कंप्रेशन प्रोसेस की बात करें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू जीरो, एरो इसकी तरफ बढ़ रही है मतलब वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, और जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो हमारा कंप्रेशन प्रोसेस हो जाएगा. ये भी चीज हमें ध्यान रखनी होती है क्योंकि कभी कभी हमारे क्वेश्चंस में हमें डायग्राम नहीं दिया रहेगा, तो डायग्राम नहीं दिया रहेगा तो वी ऑलवेज हैव टू टेक इन सच अ वे, अगर कंप्रेशन बोल रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होनी चाहिए फाइनली, और अगर एक्सपेंशन बोल रहा है तो वॉल्यूम शुड इंक्रीज फाइनली. दिस इज k इक्वल्स इनफाइनाइट, this k is equals to 1, k is equals to n and k is equals to gamma. जो polytropic होगा it is actually lying between the adiabatic and the isothermal. ये हो गया आपका graph for compression. This is the graph for compression. ठीक है, अब जो हमें next देखना है हमारा topic, we come to the topic of heat इंटरैक्शन. हीट इंटरैक्शन मतलब हीट का जो भी इंटरैक्शन होगा. तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया कि कोई एक हमने बॉडी कंसिडर की जिसको हमने कुछ अमाउंट ऑफ हीट दिया और उसका टेम्परेचर डी टी अमाउंट से चेंज हो गया. तो ये देखा जितनी भी दी अमाउंट ऑफ हीट विच वॉज सप्लाइड टू द बॉडी वॉज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी एंड इट वॉज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. तो अगर इन दो सिचुएशंस को कंबाइन कर ले तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डी टी. और आपको बताया अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा एम सी डी टी. तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो था, दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज सी, और सी को ही हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सी इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. और सी की क्या हो जाता है, क्यू अपॉन एम डी टी. हीट की यूनिट होती है जूल्स, एम की होती है केजी, डी टी की होगी डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर जूल पर केजी केल्विन भी हो सकती है. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट्स हमें ध्यान रखनी पड़ेगी. ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा फेस चेंज होता है ड्यूरिंग द फेस चेंज, तो फेस चेंज इज कैरेक्टराइज बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना सच दैट देर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर. फेस चेंज में सिर्फ फेस का चेंज होता है, टेम्परेचर का चेंज नहीं होता. तो अगर यहाँ डी टी जीरो हो गया तो सी की वैल्यू क्यू अपॉन जीरो दैट इज इनफाइनाइट. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ड्यूरिंग द फेस चेंज इज एक्चुअली इनफाइनाइट. तो मतलब मान लीजिए स्टीम का फॉर्मेशन होना, आइस का मेल्टिंग होना, ठीक है, जीरो अगर -10 degree की आइस मेल्ट होके 0 degree की आइस बन रही है तो वो भी फेस चेंज है. ठीक है, 20 degree का वाटर हीटअप होके 40 degree का वाटर बन रहा है वो भी क्या हो गया आपका, वहां पर आपका सिर्फ फेज में चेंज आएगा. ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस के जो स्टेट्स में आफ्टर मतलब आपस में इंटर कन्वर्जन होगा वो हम कहेंगे फेस चेंज. तो एक क्वेश्चन पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि ड्यूरिंग कंडेंसेशन द हीट कैपेसिटी फॉर स्टीम इज, ठीक है, तो सबसे पहली बात पूछा है ड्यूरिंग कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच गैसीय स्टेट इज कन्वर्टेड इन टू द लिक्विड स्टेट. जो हमारा
गैसियस स्टेट है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट. तो यहाँ पर स्टीम मान लीजिए कंडेंस हो रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग फेज चेंज में टेम्परेचर चेंज हो गया जीरो, एंड करस्पॉन्डिंगली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वुड बी इनफाइनाइट फॉर द स्टीम. ठीक है, अब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट की बात आई है, तो हमारी जो स्पेसिफिक हीट होती है इट इज एक्चुअली कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक होती है हमारी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अभी दोनों क्या है आइए हम समझते हैं. मान लीजिए हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है एंड वी आर प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल हीट टू दिस सिस्टम सच दैट हीट इसमें ऐड होगी, और इस पिस्टन का मूवमेंट होगा सच दैट, मान लीजिए अगर हम सिर्फ अंदर वाली गैस को सिस्टम मान ले तो ये सिस्टम इस पिस्टन पे वर्क करेगा, मतलब सराउंडिंग पे वर्क करेगा, उसको मान लेते हैं मान लीजिए डब्ल्यू डी. और अगर हमने मान लिया कि प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पर हमने क्या मान लिया, यहां पर हमने माना है कि प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये जो एक्चुअली हीट दी जाएगी दिस वुड बी क्यू पी, मतलब हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर. अब करस्पॉन्डिंगली मान लीजिए यहां पर मैंने ऐसे ब्लॉक्स लगा दिए और इस पिस्टन का मूवमेंट मैंने ब्रेक कर मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया सच दैट हीट मैं यहां से प्रोवाइड करा रहा हूं. हीट प्रोवाइड कितनी हो रही है, क्यू, और यहां पर क्या हो रहा है कि सिर्फ हीटिंग हो रही है, इस गैस की सिर्फ हीटिंग होगी, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द पिस्टन. तो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया क्योंकि हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, तो द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज सप्लाइड इज क्यूवी, क्यूवी इज द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो क्योंकि आप पी देख रहे हैं, मतलब इस केस में अगर आप देखें तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इन्वॉल्व होगी, यहां पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन्वॉल्व होगी, और दोनों की ही यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी केल्विन या किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड. और यहां से हम देखेंगे कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, क्यों, बिकॉज इसमें यहां पर क्यूपी भी होगा और डब्ल्यू डी भी होगा, सीपी में हमारा हीट भी सप्लाई करनी पड़ेगी और वर्क डन भी होगा, तो इसलिए सीपी इज ग्रेटर देन सीवी. वेयर सीवी में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए ये सारी की सारी हीट यूटिलाइज हो जाएगी. इन केस ऑफ दिस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज सप्लाइड टू द गैसियस मॉलिक्यूल्स विल सिंपली रेज देयर टेम्परेचर और सिंपली इंक्रीज देयर इंटरनल एनर्जी. ठीक है, यहां पर जो हमारा वर्क डन है ये है जीरो, क्योंकि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बाउंड्री, तो वर्क डन एक्चुअली हियर इज जीरो. ठीक है, तो हीट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर व्हिच टेक्स प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण हमारा जो हीट का ट्रांसफर है वो होगा. और स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिटी, मतलब एक डिग्री सेंटीग्रेड से हम उसका टेम्परेचर चेंज कर लीजिए. मान लीजिए एक ग्राम का या एक किलोग्राम सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर मुझे एक डिग्री से चेंज करना है तो द अमाउंट ऑफ हीट दैट वुड बी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट. और हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इन्वॉल्व्स बोथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एज वेल एज परफॉर्मिंग वर्क. मतलब जो भी आप हीट दे रहे हैं उसमें से कुछ एनर्जी तो इन गैस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो जाएगी और कुछ एनर्जी के अगेंस्ट में वर्क डन हो जाएगा. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वो नोट पॉइंट ये है, अगर हमारी नॉन मोनो एटॉमिक गैसेस हैं, नॉन मोनो एटॉमिक गैसेस, फॉर द केस ऑफ नॉन मोनो एटॉमिक गैसेस अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सीपी भी हमारी बढ़ जाएगी और सीवी भी हमारी बढ़ जाती है. नॉन मोनो एटॉमिक गैसेस के केस में सीपी और सीवी हमारी दोनों बढ़ जाती है, और एक्चुअली जो CP अपॉन CV का रेशियो होता है दिस इज कॉल्ड एज गामा, यही होता है हमारा गामा. तो अगर CV की वैल्यू बढ़ रही है, CP की वैल्यू बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली जो गामा पे इफेक्ट आता है वो हो जाता है डिक्रीज.
तो टेम्परेचर बढ़ाने पे नॉन मोनोटॉमिक गैसेस के केस में सीपी इंक्रीजेस, सीवी इंक्रीजेस एंड गामा डिक्रीजेस, ठीक है। और एक और रिलेशन है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। ये आर क्या है? दिस इज आर इज द कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज द मेयर्स रिलेशन। ये होता है हमारा मेयर्स रिलेशन। और दूसरा रिलेशन है सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप इस वाले पे सीपी और सीवी प्लॉट करें और यहाँ आप टेम्परेचर प्लॉट करें, तो सीपी का ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा, सीवी का ग्राफ हमेशा नीचे रहेगा, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा दिस विल बी आर। ये क्या हो जाएगा? हमारा आर। अब अगर हम बात करें अपनी मोनो अटोमिक गैसेस की, इन केस ऑफ द मोनो अटोमिक गैसेस टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी सीपी सीवी एंड गामा दे ऑल रिमेन कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट होंगे मोनो अटोमिक गैसेस के केस में। तो अगर आप यहां पर ग्राफ देखें सीपी सीवी वर्सेस टेम्परेचर का, तो दे ऑल विल रिमेन कांस्टेंट। सीपी और सीवी, मान लीजिए आपकी सीपी हो गई, ये सीवी हो गई, और ये क्या हो गया, इनके बीच का डिफरेंस आर हो जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सीपी सीवी और गामा विल नॉट चेंज इन केस ऑफ द मोनो अटोमिक गैसेस, whereas they will definitely change in the case of non-monoatomic gases. और monoatomic gases के example क्या क्या हो गए? Helium हो गया, argon हो गया, etc. Helium, argon, etc. are the examples of monoatomic gases. और जो हमारा gamma है, it is Cp upon Cv, and this is also equals to 1 plus 2 upon n, where n is the number of degree of फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, अगर हम मोनो अटोमिक गैसेस के लिए बात करें, डाया अटोमिक गैसेस के लिए बात करें और ट्राई अटोमिक गैसेस के लिए बात करें, तो ये हो जाती है, मोनो अटोमिक के लिए होती है दो, ठीक है, नहीं दो नहीं होती, सॉरी, ये होती है तीन, ये होती है पांच, ये होती है छह। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक गैसेस इज तीन, इन डायएटॉमिक इट इज फाइव, एंड इट इज ट्राईएटॉमिक इज सिक्स। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो गामा की वैल्यू आती है 1.4, यहाँ पे गामा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस 2 अपॉन 5, ये हो जाएगी, नहीं सॉरी, 1 प्लस, ये तो हो गई आपकी, सॉरी ये होगी 1.67 हो जाएगी, ये जो वैल्यू आएगी आ जाएगी 1.4 आ जाएगी। और ट्राईएटॉमिक गैसेस के केस में गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाय 6, दिस इज नथिंग बट 1.33। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बढ़ रही है, आपकी गामा की वैल्यू कंसेक्यूटिवली डिक्रीज करती जा रही है, पहले 1.67, फिर 1.4 और फिर 1.33, ठीक है। अक्सर न्यूमेरिकल में हो सकता है आपको दे दे कि नाइट्रोजन से हो रहा है काम, तो नाइट्रोजन के केस में आपको R की वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा लेक्चर्स में, कि मतलब अपने प्रॉब्लम्स में, कि हमें R क्या दिया हुआ है और किस गैस की करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। डायटोमिक गैसेस का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ट्राईटोमिक जैसे आपकी हो गई ओजोन एटसेट्रा, ठीक है। तो मोनोडाइट्राई 3, 5, 6, एन की वैल्यू 3, 5 और 6, करस्पॉन्डिंगली गामा की वैल्यू 1.67, इसमें 1.4 और इसमें 1.33। और एक जो मैं आपको अब एक बात बताऊंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको नोट करने वाली बात है, नोट क्या करेंगे, एक्चुअली गामा इज इक्वल टू 1 प्लस वर्क डन अपॉन चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। यू क्या है? चेंज इन, और यही होता है सीपी अपॉन सीवी। जो गामा है इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 प्लस वर्क डन अपॉन चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। ये एक्चुअली गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस वर्क डन अपॉन चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो अगर सेम हीट सप्लाइड है, अगर हीट सेम सप्लाई करें मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राईएटॉमिक तीनों को, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क इज ऑब्टेन्ड इन द केस ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। तो W max is obtained in the case of monoatomic gas, ठीक है। ये कब होगा? When the same amount of heat is supplied। और हम देखते हैं IC engines में हमारे क्या होता है। IC engines में mainly होता ये है
कि जो हमारी मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं ऑन कंबस्शन दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्राई एटॉमिक गैसेस. ये हमारी कंबस्शन होने पर ट्राई एटॉमिक गैसेस बन जाती है एंड हेंस द एफिशिएंसी डिक्रीजेस. यही मेन रीजन है एफिशिएंसी के डिक्रीज होने का, क्योंकि जो भी हमारी मोनो एटॉमिक गैसेस हैं इन केस ऑफ द आईसी इंजन्स दे आर गेटिंग बर्नड और कंबस्शन के बाद दे कन्वर्ट इनटू ट्राई एटॉमिक गैसेस, और ट्राई एटॉमिक गैसेस के केस में हमारी जो एफिशिएंसी है वो बहुत घट जाती है. ठीक है, और हमने ये तो बता ही दिया कि नॉन एटॉमिक गैसेस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे सीपी सीवी दोनों बढ़ जाएंगे और गामा डिक्रीज कर जाएगा, वेरएज मोनो एटॉमिक गैसेस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे ना सीवी बढ़ेगा ना सीपी बढ़ेगा और ना ही गामा बढ़ेगा, तीनों दे विल रिमेन कॉन्स्टेंट. एंड गामा इज इक्वल टू 1+2/n वेर एन इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. मोनो डाइट्राई में 3, 5, 6 तो गामा की वैल्यू 1.67, गामा की वैल्यू 1.4 और गामा की वैल्यू 1.33. तो गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WD अपॉन चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. तो ये देखा गया है कि अगर सेम हीट सप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क विल बी ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक गैसेस. ठीक है, and if the same amount of heat is supplied to the gases at constant pressure, the maximum amount of boundary work is obtained if the gas is the monoatomic gas. तो अगर same pressure पर, मतलब constant pressure पर same amount of heat हम gases को supply करें, मान लीजिए mono को कर दिया, di को कर दिया और try कर दिया, तो maximum amount of boundary work जो obtain होगा, it will be obtained in the case of monoatomic gases. तो monoatomic gases के case में हमें work done हमेशा ही maximum obtained होगा. So with this, we come to the end of all these basics. Now we are going to start with yet very another important topic, that is the first law of thermodynamics. Now we are going to start with the topic of first law of thermodynamics, और इस law को हम लोग Joule's law भी कहते हैं, and it is based upon the law of conservation of energy. Law of conservation of एनर्जी. तो ये भी पूछा जाता है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और ये लॉ है क्या, द साइक्लिक क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ द हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द क्लोज्ड इंटीग्रल साइक्लिक ऑफ वर्क ट्रांसफर. ठीक है, ये है एक्चुअली हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब इस प्रोसेस के लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं, द सिस्टम शुड बी क्लोज्ड, क्लोज सिस्टम होना चाहिए एंड इट इज डिफाइंड फॉर अ साइकिल. अब साइकिल के लिए डिफाइंड है तो यहां पर साइकिल चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, कैसी भी साइकिल हो उसके लिए ये हमेशा होल्ड करेगा. तो क्लोज सिस्टम होना चाहिए, क्लोज सिस्टम का मतलब एक्चुअली होता है फिक्स्ड मास हो जाए. क्लोज सिस्टम का मतलब होता है फिक्स्ड मास एंड ये क्या हो जाएगा, साइकिल के लिए डिफाइंड है. साइकिल का मतलब होता है जहां से चले अल्टीमेटली घूमकर वहीं पर आना है हमें. ठीक है, वो हो जाती है हमारी साइकिल, और चाहे साइकिल रिवर्सिबल हो चाहे वो साइकिल इरिवर्सिबल हो. अब हम कुछ अपना डिस्कशन करेंगे हीट इंजन्स के बारे में. ठीक है, तो हीट इंजन्स में होता क्या है, एक्चुअली एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है जिसको हम कहते हैं सोर्स, जिसका टेम्परेचर हाई होगा. दीज आर एक्चुअली अ टाइप ऑफ थर्मल रिजर्वायर. अभी मैं बताऊंगा थर्मल रिजर्वायर क्या होता है. ये हो गया आपका इंजन. इंजन जो है आपकी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से कुछ अमाउंट ऑफ हीट लेता है, मान लीजिए Q1. ठीक है, एंड इट इज रिजेक्टिंग सम अमाउंट ऑफ हीट टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर विच इज कॉल्ड एज द सिंक. ठीक है, सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, सिंक में हीट डालेगा मान लीजिए Q1, एंड इट इज परफॉर्मिंग सम वर्क से W. ठीक है, इट इज परफॉर्मिंग सम वर्क से W. तो अगर यहां पर आप देखें समेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, सो दिस वुड बी वॉट समेशन ऑफ डब्ल्यू मतलब अमाउंट. अब देखिए यहां पर एक कन्वेंशन जो मैंने डिस्कस नहीं किया था वो हीट का कन्वेंशन है, मतलब व्हेन द हीट इज एडेड टू अ सिस्टम, व्हेन द हीट इज एडेड टू अ सिस्टम इट इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड व्हेन द हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इट इज टेकन एज नेगेटिव. तो यहां पर सिस्टम आपका क्या है, ये हीट इंजन है. तो क्योंकि Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड तो क्या हो जाएगी प्लस Q1, एंड Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग रिजेक्टेड तो क्या हो जाएगा माइनस Q2. तो ये हीट इंटरैक्शन कितना हो गया, नेट हीट इंटरैक्शन वुड बी Q1 माइनस
Q2 would be equals to delta W. Q1 minus Q2 would be equal to delta W. And ये जो आपका Q1 minus Q2 is equal to delta W, ये जो delta W है, this is greater than zero, अगर आता है, then it is a case of heat engine. मतलब, it is a work producing device. Work producing device हो जाएगा. ठीक है? अगर आपकी delta W की value जो है, it is coming out to be somehow less than zero, then ये क्या हो जाएगा? ये heat engine ना होके क्या हो जाएगा? Refrigerator हो जाएगा. It is coming to be a refrigerator. ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका refrigerator और ये हमने देखा था RAC में. तो ये जो actually law है, the first law of thermodynamics is simply telling us about the net heat into net work conversion. मतलब जो net heat का हमारा net work में जो conversion हो रहा है, उसके बारे में हमें जो भी indication मिल रहा है, it is being given by the first law of thermodynamics. तो अगर हम इसको words में state करें, तो क्या हो जाएगा? For a closed system undergoing a cyclic process, the net heat transfer is equal to the net work transfer. अगर system आपका closed है, और आपका system is going in a cyclic process, then the net heat transfer is equal to the net work transfer. ठीक है, अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये जो स्टेटमेंट अभी मैंने बताया, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड ओनली फॉर अ साइकिल, ओनली फॉर अ साइकिल के लिए ही ये वैलिड है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड इट इज वैलिड फॉर अ साइकिल एज वेल एज फॉर अ प्रोसेस. ये हमारे बोथ साइकिल एंड प्रोसेस दोनों के लिए ही वैलिड है. साइकिल चाहे हमारी रिवर्सिबल हो, चाहे हमारी इरिवर्सिबल हो. रिवर्सिबल कब होगी? जब हमारा फ्रिक्शन एब्सेंट होगा तो वो रिवर्सिबल साइकिल हो जाती है, और जब फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो हमारा इरिवर्सिबल साइकिल हो जाएगी. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ first law. We are now going to discuss about the consequences of the first law. जो पहला इसका consequence निकल कर आया, वो ये था कि heat transfer is a path function. Work की तरह जो हमारा heat है, वो भी क्या है? एक path function है. तो अगर इसको एक graph के through हम समझे, ठीक है? इसको अगर एक ग्राफ के थ्रू हम समझना चाहें, तो मान लीजिए प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट है, हमें किसी वन पॉइंट से टू पॉइंट तक जाना है. मान लीजिए ये जो पाथ अपनाया, ये पॉइंट ए था, ठीक है, सॉरी, ये मान लीजिए हमें यहां से यहां तक जा रहे हैं थ्रू अ पाथ ए, और रिटर्न करने के हमारे पास दो पाथ हैं. एक पाथ ये मान लीजिए बी है, दूसरा पाथ हमारे पास सी है. तो ये गोइंग पाथ है और ये रिटर्निंग पाथ है. अब अगर हम बात करें अपना, इफ यू टॉक अबाउट डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू के बारे में, वन से लेके ए से लेके टू बी वन, मतलब वन ए टू बी वन, ये वाले पाथ की बात करें, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू फ्रॉम वन ए टू प्लस डेल्टा क्यू टू बी वन इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू वन ए टू प्लस डेल्टा डब्ल्यू टू बी वन. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अब दूसरा पाथ चूज करें, वन ए टू सी वन, मतलब ये वाला पाथ. इसके लिए अगर हम लिखें सेम एक्सप्रेशन, अगर ये वाला यहां पर भी लॉ लगाए, तो हमें मिल जाएगा डेल्टा क्यू वन ए टू प्लस डेल्टा क्यू टू सी वन इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू वन ए टू प्लस डेल्टा डब्ल्यू 2C1. ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2. अगर इक्वेशन नंबर 1 में से हम इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा डेल्टा Q 2B1 माइनस डेल्टा Q 2C1 इज इक्वल टू डेल्टा W 2B1 माइनस डेल्टा W 2C1. मान लीजिए हमारी इक्वेशन ए है, ठीक है, तो हम
क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो डेल्टा क्यू 2B1 माइनस डेल्टा क्यू 2C1 इज इक्वल्स टू एक्स मान लीजिए, लेट इट बी एक्स, ठीक है। तो अगर दो पार्ट में हम देखेंगे, इफ बी एंड सी आर सेम पाथ, अगर बी और सी सेम पाथ हो जाते, और दूसरा क्या है, इफ बी एंड सी वर डिफरेंट पाथ्स, अगर बी और सी डिफरेंट पाथ हो जाते, तो सेम पाथ हो जाते तो वर्क हमारा पाथ फंक्शन हो जाता, ठीक है। और यहां पर भी वर्क हमारा पाथ फंक्शन ही रहेगा, और अगर ऐसा हो जाता है यहाँ पे तो डेल्टा डब्ल्यू 2B1 बराबर डेल्टा डब्ल्यू 2C1 हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर ये पाथ डिफरेंट होते तो डेल्टा डब्ल्यू 2B1 इज नॉट इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू 2C1, मतलब यहां पर जो हमारा x है इट इज नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता, जो x हमारा है इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, और यहां पर हमारा x इक्वल्स टू 0 आ जाता। इसका मतलब है तो जो डेल्टा q है 2B1 इज इक्वल्स टू डेल्टा q 2C1, और यहां पर क्या आ जाता, डेल्टा q 2B1 इज नॉट इक्वल्स टू डेल्टा q 2C1। अब क्योंकि B एंड C आर डिफरेंट paths, इसीलिए ये सारे पॉइंट्स वैलिडेटेड हो जाएंगे और ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे इनवैलिड एक्सेप्ट दिस पॉइंट, ठीक है। वर्क तो हमारा पाथ फंक्शन रहेगा ही रहेगा, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स हमारे इनवैलिड हो जाएंगे, सो ऑल दीज पॉइंट्स बिकम इनवैलिड। अब अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू हीट ट्रांसफर, important points with respect to heat transfer, then from the above discussion we can conclude that heat is also a path function. पहला point है कि above discussion से हम ये exactly बता सकते हैं कि heat हमारा path function है. अगर ये path function है तो हमारा ये inexact differential हो जाएगा, मतलब इंटीग्रल 1 से 2 डी क्यू इज नॉट इक्वल्स टू क्यू 2 माइनस क्यू 1, ये हमारा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा, और ये क्या है, पाथ डिपेंडेंट है, और वर्क की तरह ये भी इट डिपेंड्स अपॉन द पास्ट हिस्ट्री, ये डिपेंड करेगा हमारा पास्ट हिस्ट्री पर, ठीक है, इट विल डिपेंड अपॉन द पास्ट हिस्ट्री। ये हमारा बाउंड्री फिनोमेना भी होगा एंड ट्रांजिएंट फिनोमेना भी होगा, ट्रांजिएंट मतलब इट कैन चेंज विथ टाइम, ठीक है, बट ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं होगी, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है, सिंस इट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल सो इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। और साइन कन्वेंशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि व्हेन द हीट इज एडेड टू अ सिस्टम देन इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड व्हेन द हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इट इज टेकन टू बी नेगेटिव। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर, और आई होप कि आप हमारे लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग ने अपना थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर दिया, इसी के पैरेलल में हम लोग अपना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी शुरू करेंगे, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू थ्योरी ऑफ मशीन्स। सो थैंक यू फॉर टुडे, कीप लाइकिंग आवर लेक्चर्स, कीप सब्सक्राइबिंग, और दूसरों को भी हमारे लेक्चर्स के बारे में बताते रहिए। सो थैंक यू।